जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम देखेंगे जो हम पढ़ रहे थे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जिसे हम हिंदी में कहते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो कौन सा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप? तो ये नीचे वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये पूरा आपको एक आइसोलेटेड है चारों तरफ से, हर डायरेक्शन से। तो ये आपको मिलेगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और जो आपका, अगर हम इस पे बात कर चुके थे, जिसके लेफ्ट में आपको मिलेगा, वेस्ट साइड में मिलेगा पैसिफिक ओशन जिसे प्रशांत महासागर कहते हैं, और पूर्वी साइड में आपको अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ आप अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है कैरिबियन सी, वो देखने को मिलेगा। नीचे साउदर्न ओशन देखने को मिलेगा। ये एक टाइप का आइसोलेटेड है। ये हम प्रीवियस जो लेक्चर हैं उनमें हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। कितनी कंट्री हैं? 12 कंट्री देखने को मिलती हैं लगभग। ये पूरा आइलैंड जो आइसोलेटेड जो कॉन्टिनेंट है, ये कम से कम 5.53% समथिंग 6% पॉपुलेशन पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कवर करता है। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 5-6% समथिंग इस पे आपको देखने को मिलेगा, 12 कंट्री में इनमें देखने को मिलेगा। ये सारी चीजों पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब चलिए आज हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वाटर बॉडी के बारे में, जो हमारे जलीय बॉडीज हैं, यहाँ पे वाटर बॉडीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लेक से, वो सॉरी रिवर्स से। अगर रिवर्स से स्टार्ट किया जाए, जिन्हें हम नदियां कहते हैं, नदियां, तो नदियों से स्टार्ट करें तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर पाई जाती है, उसके बारे में आज जिसका डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम रिवर्स की बात करें, अगर नदियों की बात करें तो यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, साउथ अफ्रीका का ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब यहाँ का अपवाह क्षेत्र, अपवाह जो तंत्र है या क्षेत्र है, तंत्र है वो चार टाइप का। अपवाह तंत्र क्या होता है? जैसे ये नदी फ्लो हो रही है, जैसे ये नदी फ्लो हो रही है तो इसके ट्रिब्यूटरी कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ये पूरा बेसिन एरिया हो गया। तो ये इस टाइप का इसका ड्रेनेज क्षेत्र हो गया कि इतने एरिया में इस नदी का ड्रेनेज क्षेत्र है। जैसे हमने अपने इंडिया में पढ़ा था गंगा के बारे में, तो गंगा निकलती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां बहुत आती हैं, गंगा की यमुना आती है, ऐसे चंबल आती है, सोन टेन कोन, ये सारी चीज नदियां आती हैं। तो ये गंगा तो नदी इतनी है, लेकिन गंगा का ये पूरा बेसिन क्षेत्र हो गया, तो ये अपवाह तंत्र हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया पूरा गंगा का। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ रही होगी। तो ऐसे ही साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, वहां पे आपको चार ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेंगे, चार अपवाह तंत्र देखने को मिलेंगे। तो नंबर वन की बात करें, यहाँ पे अपवाह तंत्र कौन सा है, नंबर वन की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कौन सा, पहला है द अमेजोन बेसिन। अमेजोन बेसिन इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, अमेजन बेसिन, ठीक है ठीक है। तो दूसरा आपको पड़ेगा द रियो डी प्लाटा बेसिन। अब रियो डी प्लाटा बेसिन देखो, जैसे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, इनका हिंदी में भी यही इनके नाम है, ऐसे ही इनको लिखोगे, जैसे रियो डी प्लाटा, ऐसे रियो डी प्लाटा बेसिन, ठीक है, या अपवाह तंत्र ऐसे लिख सकते हो। तीसरे नंबर पे आपका आता है ओरिनोको बेसिन, और चौथे नंबर पे आता है आपका द साओ फ्रांसिस्को फ्रांसिस फ्रांसिस को बेसिन। तो ये चार बेसिन देखने को मिलेंगे, और इन्हीं चार बेसिन में आपको रिवर्स देखने को मिलेंगी पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। साउथ जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसकी सारी जो नदियां हैं इन्हीं चार बेसिन में देखने को मिलेंगी, अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम में। तो ये ड्रेनेज सिस्टम अभी हम समझ चुके हैं, गंगा का एग्जाम्पल लेके। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमेजोन बेसिन के बारे में। ये रहा हमारा अमेजोन बेसिन, और ये बहुत बड़ा अमेजोन बेसिन की बात करें यहाँ पे,
अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन की बात करी जाए यहां पे, तो अमेजन बेसिन क्या है? सबसे पहले तो बात की जाए इस अमेजन बेसिन में दुनिया की सबसे ज्यादा वाटर कैरिंग कैपेसिटी वाली, सबसे ज्यादा अपने साथ वाटर को ले जाने वाली, समुद्र में कैरिंग करने वाली जो नदी है जिसका नाम है अमेजन रिवर। अमेजन रिवर इसे कहते हैं, अमेजन नदी। अमेजन नदी ये आपको यहां पे देखने को मिलेगी, ये है आपकी अमेजन रिवर। और अमेजन रिवर के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट अमेजन रिवर के बारे में देखने को मिलेगा कि ये क्या है, लार्जेस्ट फ्लो रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट फ्लो वाटर इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा वाटर फ्लो होता है इस नदी में, ठीक है? तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा पानी को ले जाने वाली नदी है, ठीक है? द लार्जेस्ट फ्लो वाटर इन द वर्ल्ड, कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है इसकी, वाटर कैरिंग कैरिंग कैपेसिटी है वो इसकी बहुत ज्यादा है दुनिया में, ठीक है? वर्ल्ड तो कह सकते हैं, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा पानी को ले जाने वाली, सबसे ज्यादा, अगर किसी दुनिया में कोई रिवर है जिसमें सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है तो वो आपका अमेजन रिवर है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपकी आती है, इसी का की पॉइंट है दूसरा, कि ये लॉन्गेस्ट, नॉट लार्जेस्ट, लार्जेस्ट की तो बात कर चुके हैं, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर नाइल। ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है नाइल रिवर के बाद। नाइल रिवर क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे दुनिया की सबसे लंबी रिवर है, और जो अमेजन रिवर है वो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी रिवर है, ठीक है? तो ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट या वन लाइनर क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इनको नोट डाउन करिए, ठीक है? अब तीसरी बात यहाँ पे की पॉइंट के अमेजोन रिवर के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बेसिन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो नियरली इसका जो ड्रेन एरिया है जो इसका, ड्रेन एरिया मतलब इसका जो बेसिन है, हिंदी में भी बेसिन ही लिखना, अब बार बार आपको बोलना अच्छा नहीं लगता है तो ये आप अंडरस्टूड है, समझ, ठीक है? तो इसका जो बेसिन है, अब ये क्या है, बेसिन की बात की थी, बेसिन क्या होता है, जैसे ये मुख्य रिवर है, प्रमुख रिवर है, अब इसकी बहुत सारी सहायक नदियां ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है? तो इसकी जब बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं ऐसे करके, ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरी आई, मान लो कोई रिवर है, ठीक है, ये तो ये जो पूरा एरिया कहलाएगा इस रिवर का बेसिन कहला। अब ये एक से ज्यादा कंट्री में हो सकता है, ज्यादा जोन्स में हो सकता है, जो भी है, ठीक है? तो ये इसका बेसिन कहलाता है। उम्मीद करता हूं ये सच्ची समझ गए होगे आप। तो देखो अमेजन रिवर का जो बेसिन पाया जाता है वो आपको कहाँ मिलेगा, वो लगभग आपको बेसिन 40% पूरे साउथ अमेरिका का, जो पूरा आपका दक्षिणी अमेरिका है, महाद्वीप है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का 40% एरिया कवर करता है, ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का 40% एरिया कवर करता है आपका अमेजन बेसिन। अमेजन रिवर का जो बेसिन है वो 40% एरिया कवर करता है पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। चौथा पॉइंट यहां पे है, इसकी ट्रिब्यूटरी की बात कर लेते हैं। ट्रिब्यूटरी मतलब इसकी जो सहायक नदी है, अब इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, तो देखो सबसे पहले यहां पे आपको सहायक नदी देखने को मिलेगी, कौन सी, नेग्रो, नेग्रो के बाद जुरुआ, जुरुआ के बाद कैक्यूटा, कैक्यूटा के बाद मेडेरा, इस ये सारी क्या है, इसकी सहायक नदी है। अब यहां पे कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन वन लाइनर पूछ देता है, यहां पे डाल दे
नेग्रो, जुरुआ, कैक्वेटा, ये सब किस नदी से रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए, ये अमेजन रिवर की सहायक रिवर है, ट्रिब्यूटरीज है अमेजन रिवर की। जैसे ये रही आपकी नेग्रो, ये रही नेग्रो, और यहां पे नेग्रो के नीचे ये रही जुड़वा, आप देख रहे हो, ठीक है। और भी इसकी ट्रिब्यूटरी, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, मेडीरा, ये सारी ट्रिब्यूटरी हैं इसकी, अमेजन, ठीक है। कैक्वेस, ये भी हमने पढ़ी थी, ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे पेरू होगी ट्रिब्यूटरी है, इरीरी हो गई ये ट्रिब्यूटरी है। ये सारी क्या है इसकी ट्रिब्यूटरी है, कुछ मेन ट्रिब्यूटरी है। बेसिक एग्जामिनर पूछता नहीं है क्वेश्चन फिलहाल, फिर भी ट्रिब्यूटरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी, इंडियन जो रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेयर केस में आपसे कभी सवाल पूछे तो एक दो ट्रिब्यूटरी हैं आप याद रखो, तो जिससे एलिमिनेशन से भी आप क्वेश्चन को निकाल सको। तो एक दो मेन मेन जो ट्रिब्यूटरी हैं उनकी बात कर रहे थे, तो जैसे नेग्रो थी, जुरुआ थी, कैक्वेटा थी, ये सारी ट्रिब्यूटरी क्या अमेजन रिवर की। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिन की, अमेजन रिवर का ये आप बेसिन देख रहे हो। अब यहाँ बात करें कि ये जो बेसिन है कितने कंट्रीज में फैला हुआ है इसका। अगर हम इसके बेसिन की बात करें तो बेसिन इसका कितने कंट्रीज में फैला हुआ है, तो अमेजन जो रिवर है उसका बेसिन की बात करें तो बेसिन कितनी कंट्री में फैला हुआ है, सिचुएटेड है। अगर इसकी सिचुएशन की बात करें, सिचुएटेड है, सिचुएशन की बात करें, कितने कंट्री में फैला हुआ है इस बेसिन की बात करें, तो देखो सबसे पहले आपको मिलेगा वेनेजुएला में, 8 कंट्री में फैला हुआ है इसका बेसिन, याद रखना 8 कंट्री हैं। तो वेनेजुएला, वेनेजुएला दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा सूरीनाम, तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा पेरू, चौथे पे देखने को मिलेगा आपको गुयाना, और पांचवें पे देखने को मिलेगा आपको ब्राजील। ब्राजील में तो पूरे ही अच्छा खासा फैला हुआ है। और छठे पे आपको देखने को मिला है इक्वाडोर, और 7 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा कोलंबिया, कोलम बिया, और 8वें नंबर पे आपको देखने को मिलेगा बोलीविया। ये 8 कंट्री हैं जहां पे इसका बेसिन देखने को मिलेगा। ये देखो कोलंबिया रहा आपका, अगर हम बेसिन की बात कर लें तो ये रहा आपका कोलंबिया, ठीक है, ये रहा आपका वेनेजुला, ओ शुभ, हाँ ये रहा कोलंबिया, ये रहा आपका वेनेजुला, ये रहा आपका इक्वाडोर, ये रहा आपका पेरू, ये बोलीविया, ब्राजील, और ये रहा आपका गुयाना, ये रहा आपका सूरीनाम, ठीक है। तो यहां पे सब आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 कंट्री में अमेजन रिवर का क्या है, बेसिन फैला हुआ है। उम्मीद करता हूं ये चीज मैप पे समझ गए होगे। तो क्वेश्चन जब आ जाता है यहां से, एलिमिनेशन से या कैसे भी स्टेटमेंट वाइज देकर आपसे पूछा जा सकता, कुछ कंट्री ऐसी होंगी, अर्जेंटीना डाल देंगे, चिले डाल देंगे, पूछ देगा इनमें से बताइए कौन कौन से जो अमेजोन रिवर है उसका बेसिन इन किन किन कंट्री में नहीं फैला हुआ है या फैला हुआ है, इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट की अब बात करें, अब ये फ्लो कितनी कंट्री में होती है, कितने कंट्री में ये अपना वाटर फ्लो करती है। सबसे पहले अमेजोन रिवर की बात करें तो अमेजोन रिवर केवल 3 कंट्री में फ्लो करती है। सबसे पहले पेरू, पेरू के बाद कोलंबिया, कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद आपका ब्राजील, और ब्राजील में जाके ये क्या करती है, अटलांटिक ओशियन में अपना पानी गिरा देती। कहां पे, अटलांटिक ओशियन, जो अटलांटिक महासागर है उसमें अपना पानी क्या करती है, गिरा देती है। और ये निकलती कहां से, ये पेरू से निकलती है, पेरू में जो आपकी दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, जो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है एंडीज माउंटेन,
और एंडीज माउंटेन से ही ये निकलती है रिवर, और इसके बाद ये क्या करती है, पेरू में फ्लो करते हुए कोलंबिया में एंटर करती है, फिर ब्राजील में जाती है और ब्राजील में जाके अटलांटिक महासागर में अपना पानी गिरा देती है। तो ये की पॉइंट थे दो, और ये पे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तीसरा यहाँ पे की पॉइंट है अमेजन फॉरेस्ट के बारे में। अमेजन फॉरेस्ट, जो अमेजन के जंगल हैं, जो दुनिया के सबसे कहा जाता है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, एक टाइप से 20% ऑक्सीजन जो अर्थ पे है यही जनरेट करते हैं। ये 20% ऑक्सीजन आपको यहां से मिलेगी, अमेजोन फॉरेस्ट से मिलती है, इसीलिए अमेजोन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ। अब क्लाइमेट, जो कुछ ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, कुछ क्लाइमेट कंडीशन, ग्लोबल वार्मिंग, और इसकी वजह से ये फॉरेस्ट का जो डिक्री मतलब एक घटते हुए दिख रहे हैं, लोग कटाई बहुत कर रहे हैं जंगलों की, तो इन सब चीजों की वजह से ये जो ऑक्सीजन लेवल भी आपको कम ही दिखेगा यहाँ पे अब, ठीक है। तो लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, मतलब पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं इसको। अब जो ये क्यों, अभी हम आगे पढ़ाएंगे कब इसको, नेक्स्ट लेक्चर में अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में। लेकिन अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में जान लो कि ये जो रिवर है, ये अमेजोन फॉरेस्ट है, ये दुनिया के सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वर्षा वन है, लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन है। यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार वन है, वर्षा वन है, और यहाँ पे बारिश होती रहती है यहाँ पे जितना, और ये बहुत ही डेंस है, यहाँ पे जितनी भी आपको वेजिटेशन या वनस्पति देखने को मिलेगी वो बहुत ही घनी है, सघन है, ठीक है। सन रेज है वो भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, जो सन रेज है वो भी भेद कर अंदर नहीं जा पाती, इतने ज्यादा घने बनाएंगे दुनिया के, ठीक है। सबसे ज्यादा डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उष्णकटिबंधीय वन है ये, ठीक है। ये कम से कम आपके 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं इतने बीचों। तो अमेजन रिवर बेसिन था, उसके बारे में हमने जान लिया, कहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे भी मैपिंग पे हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है जो हमने अभी देखा था, द रियो डी प्लाटा बेसिन। रियो डी प्लाटा बेसिन क्या होता है, अब ये दूसरा बेसिन है, तो इसके बारे में बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन है, लार्जेस्ट बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आफ्टर अमेजन बेसिन। ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसका दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है ये, ठीक है। कौन सा, द रियो डी प्लाटा बेसिन, और ये अमेजन के बाद आता है। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर निकलती हैं, जैसे आपकी तीन रिवर्स देखने को मिलेगी यहाँ की, अगर मेन रिवर्स की बात करें, मेन नदियों, प्रमुख नदियों की बात करें, तो प्रमुख नदियां यहाँ पे कौन कौन सी हैं वो आपको दिखेंगी, जैसे पैराग्वे, ये कंट्री का नाम भी है, रिवर का नाम ही है, पराना, पराना के बाद आपको देखने को मिलेगी उरुग्वे, उरुग्वे। अब देखो ये रही आपकी, जैसे हम यहाँ पे बात करें तो ये रही आपकी कौन सी, पराना, ये उरुग्वे रिवर है, ठीक है, और यहीं पे आपकी पैराग्वे रिवर मिलेगी, और भी रिवर है, ये मेन रिवर थी, अब इन्हीं मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी है बाकी सब, ठीक है। तो जैसे आपकी सटाडो, ये रिवर हो गई, सटाडो यहाँ पे भी हो गई, ठीक है, आपकी नेग्रो हो गई रिवर, ये सारी रिवर क्या ट्रिब्यूटरी है, टीटा, ये सब ग्रैंड, ये सारी रिवर क्या है, ये द रियो डी प्लाटा की आप बेसिन की आपकी क्या है, लार्जेस्ट रिवर है ये आपकी, इसकी ट्रिब्यूटरी है ये, तो आपकी ये वाली रिवर जो है ये आपकी मेन रिवर है, पराग्वे, पराना, उरुग्वे, ये सब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वाला हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट है आपका ओरिनोको बेसिन। ओरिनोको बेसिन, इसको हिंदी में भी लिखेंगे ओरिनोको,
बेसिन। अब ओर्निको बेसिन की बात की जाए तो ये तीसरे नंबर का, थर्ड सॉरी थर्ड तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बेसिन है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, ये नोट डाउन कर लेना ठीक है, ये ऑर्डर में ही बता रहा हूं एक टाइप से मैं। तो यहाँ पे ये आपका ओर्निको बेसिन, जो ये जूम देख रहे हो ये पूरा पीला वाला क्षेत्र है ओर्निको बेसिन है, और ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, ये आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ये पूरा जो क्षेत्र है आपका ये ओर्निको बेसिन है, ये पूरा क्षेत्र ओर्निको बेसिन में आ जाता है। अगर हम नीचे वाला पोर्शन थोड़ा कट कर दें ये, तो फिर ब्राजील में एंटर कर जाएगा, ये वाला ये जो क्षेत्र आ जाता है ये आपका ओर्निको बेसिन आ जाता है। यहाँ पे वेनेजुएला आपको देखने को मिलेगा, सूरीनाम, गुयाना, ये सारी कंट्री देखने को मिलेंगी, और ये आपका ओर्निको बेसिन है। तो ओर्निको बेसिन में हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो रिवर है वो रिवर कौन सी है, वो रिवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है, उस रिवर का नाम है ओर्निको, ओर्निको है। देखो ये रही ओर्निको रिवर, ये जो ओर्निको रिवर है ये क्या है, ये आपका कैरिबियन सी जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है उसमें अपना पानी गिराती जाके है ठीक है, ओर्निको रिवर। तो चलिए तो ओर्निको रिवर क्या है, ये एक रिवर है ओर्निको रिवर, ओर्निको बेसिन की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसी के नाम पे इस बेसिन का नाम पड़ा। और ओर्निको रिवर जहां से पास होती है उस जोन को क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं रीजन ऑफ रैपिड, रीजन ऑफ रैपिड। रीजन ऑफ रैपिड क्यों कहते हैं, तो रीजन ऑफ रैपिड कहने का मतलब है यहाँ पे बहुत ही बड़े इनॉर्मस बड़े बड़े आपको ग्रेनाइट बाउल्डर्स मिलेंगे। ग्रेनाइट बाउल्डर्स मतलब ग्रेनाइट जो रॉक होती है, जो चट्टान होती है ग्रेनाइट की, उस ग्रेनाइट के आपको बड़े बड़े आपको पत्थर टाइप के ये देखने को मिलेंगे यहाँ पे, इसीलिए इसे रीजन ऑफ रैपिड बोलते हैं जहां से ये ओर्निको रिवर पास होती है। अब ये आपकी ओर्निको रिवर पास हो रही है, अब ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये क्षेत्र आपको रैपिड रीजन ऑफ रैपिड कहा जाता है। पानी एकदम कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं, पानी सीधा चलता चला ठीक है। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल आपको यहीं पे देखेगा, इसी क्षेत्र में आपको दुनिया का सबसे ऊंचा झरना देखने को मिलेगा, वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है, दुनिया का सबसे ऊंचा जो झरना है, वाटरफॉल मतलब झरना, वो आपको यहीं पे दिखेगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एंजल, हिंदी में भी एंजल ही होगा, एंजल झरना, जो लगभग 979 मीटर ऊंचा है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ये आपको यहीं पे मिलेगा। लेकिन ये ओर्निगो रिवर पे नहीं मिलता है, ये क्या होता है, जैसे ये ओर्निगो रिवर जा रही है आपकी, ये कौन सी रिवर है, ये आपकी ओरिनोको रिवर है, और इस ओरिनोको रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, और जिस ट्रिब्यूटरी का नाम है चुरून, इस ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, चुरून, ये ट्रिब्यूटरी है ओरिनोको रिवर की, एक ट्रिब्यूटरी है ये चुरून, चुरून, और चुरून किसकी है, द ट्रिब्यूटरी ऑफ कैरोनी रिवर। तो ओरिको रिवर क्या है, देखो यहां पे हम बात करें, एक कैरोनी रिवर है, कैरोनी, ये कैरोनी नदी है, और इस कैरोनी नदी की भी एक ट्रिब्यूटरी है चुरून, 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 इस चुरून रिवर पे ही आपको एंजल वाटरफॉल देखने को मिलेगा। तो ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी है एक टाइप, मतलब ट्रिब्यूटरी है एक टाइप की। तो ओर्निको की जो ट्रिब्यूटरी क्या है, कैरोनिया, कैरोनी की ट्रिब्यूटरी क्या है, चुरून है, और चुरून पे ही आपको एंजल वाटरफॉल, दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल झरना देखने को मिलेगा, जो 979 मीटर ऊंचा है, और ये आपको कौन से जोन मिलेगा, ओर्निको बेसिन में ही देखने को मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन हमने मैपिंग बेस कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाए वॉटर एंड फॉल कौन से आपको बेसिन में देखने को मिलता है, तो आपको पता होना ओर्निको बेसिन, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल बना दे अगर वो, तो आप कर ले जाएंगे ठीक है। कौन से रिवर पे, चुरून रिवर, चुरून किसकी, ओर्निको की ट्रिब्यूटरी है, करौनी, यूरोनी, ये तो आपको फिर इस हिसाब से पता लग जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अब नेक्स्ट है आपका पराना, पराना रिवर,
सिस्टम। पराना रिवर सिस्टम क्या है? ये इसे हम एक नाम से और जानते हैं, ये जो पराना रिवर सिस्टम है ये पूरा पराना रिवर सिस्टम है, और इस पराना रिवर सिस्टम को एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है अल्टो पराना। ये आपको पैराग्वे में देखने को मिलेगी, और ये बहुत इरिगेशन वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिंचाई विचाई मतलब अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलती, क्रॉपिंग व्रॉपिंग होती है। पैम्पॉस रीजन है, ये नीचे वाला जो है पूरा पैम्पॉस रीजन है अर्जेंटीना वाला, ये एक टेम्परेट ग्रास लैंड है, ठीक है। तो ये वाला पूरा टेम्परेट ग्रास लैंड के क्षेत्र में आ जाता है। ये आपको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है, अभी हम घास स्थल पढ़ेंगे आगे मैपिंग पे, वर्ल्ड के घास स्थल पढ़ेंगे पूरे वर्ल्ड लेवल के, जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, तब हम देखेंगे इसमें, ठीक है। पैंपास लानोस इन सब के बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल हम ये देखें पैंपास रीजन। यहाँ व्हीट कल्टिवेशन बहुत ज्यादा होती है, गेहूं की खेती बहुत होती है, कल्टिवेशन गेहूं की खेती बहुत की जाती है पराना रिवर। तो ये रही आपकी पराना रिवर, और पराना रिवर की ट्रिब्यूटरी है पैराग्वे रिवर, और ये पराना रिवर आई, फिर पराना रिवर आगे बढ़ी, और इसके बाद रियो डी प्लाटा में जाके ये अपना पानी गिरा दो। दूसरा है उरेगो रिवर, उरुग्वे रिवर। अब उरेगो रिवर भी क्या है, ये भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में। इसके बाद आपका आता है साओ फ्रांसिस्को बेसिन, जो हमने चौथा पढ़ा था, साओ फ्रांसिस सिस्को बेसिन। अब साओ फ्रांसिस्को बेसिन क्या होता है, इसके बारे में देखें तो साओ फ्रांसिस्को बेसिन ये चौथा सबसे बड़ा, फोर्थ नंबर का लार्जेस्ट बेसिन है ऑफ द साउथ अमेरिका, ठीक है। और अबाउट इसकी अगर यहाँ पे जो ये पूरा आपको ब्राजील में देखने को मिले, ये साओ फ्रांसिस्को रिवर देखने को मिल रही है, तो ये वाला पूरा जो क्षेत्र है वो साओ फ्रांसिस्को बेसिन है आपका। ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा साउथ फ्रांसिस्को बेसिन है, और ये पूरा आपको पूरा का पूरा आपको कहाँ मिलेगा, ये पूरा का पूरा आपको ब्राजील में देखने को मिलेगा। तो ये तो थे रिवर सिस्टम पूरे हमारे जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट था, उसकी जो मेन मेन रिवर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे डिस्कशन किया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो ये रिवर है सारी मैप पे हमने लगा रखी है, ऑरिनोको हो गई, साओ फ्रांसिस्को हो गई, पराना हो रहा है, ये ओरेगा रिवर हो गई, पराना हो गई, ठीक है, ये सारी रिवर्स हैं, एक बार इनको अच्छे से देख लेना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लेक्स, झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे झील है, ठीक है। तो सबसे पहले हम झील की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपकी आती लेक मरकाइवो, ये रही लेक मरकाइवो, हिंदी में भी इसको क्या लिखेंगे, मारकाइवो, मार्काइव। तो झील मार्काइवो के बारे में बात करें, ये झील मार्काइवो आपको क्या मिलेगा, ये झील मार्काइवो ये कम से कम आपका 12,950 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है, ये रही आपकी लेक मार्काइवो। अभी हम इसकी लोकेशंस की बात करेंगे। दूसरी बात करें तो ये आपको अगर लोकेशन की बात करें, यहाँ पे इसकी स्थिति की बात करें कहाँ पे है, तो ये वेनेजुला में दिखेगी, नॉर्थ पार्ट, नॉर्थ वेनेजुला में देखने को मिलेगी, नॉर्थ वेनेजुला में आपको देखने को मिलेगी लेक मरकाइवो। और ये लेक मरकाइवो के बारे में और बात करें, इस वन ऑफ द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, ये जो लेक मरकाइवो के आसपास का जो क्षेत्र है ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग, ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र जो है, मतलब अगर मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन दुनिया का नहीं, सॉरी दुनिया का नहीं कह सकते, ये कह सकते वेनेजुला, साउथ अमेरिका का कह सकते हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का या वेनेजुला का सबसे बड़ा मतलब, और दुनिया में जो सबसे बड़े बड़े आपके ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, जो तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो तेल उत्पादक क्षेत्र है, उनमें से एक है आपका मरकाइवो लेक के आसपास का तेल उत्पादक क्षेत्र, यहाँ पे आपकी तेल उत्पादन किया जाता है, जो क्रूड ऑयल आप होता है ना, पेट्रोलियम ये सब, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेनेजुएला, मरकाइवो लेक के पास।
और तीसरा इसके पास है, इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द साउथ अलायंस, लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो ये रही आपकी मरकाइबो, लेक मरकाइबो, ठीक है। तो ये वेनेजुला में देखने को मिलेगी, ये देखो ये पूरा ये वेनेजुला है, वेनेजुला में ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, यहाँ पे ये लेक मरकाइबो देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक की बात करते हैं, नेक्स्ट लेक आपकी टिटिका, कौन से टिटिकाका लेक, टिटकाका लेक कहाँ पे मिलेगी? टिटकाका लेक के बारे में अगर कुछ पॉइंट जान लें हम, तो टिटकाका लेक क्या है, सबसे पहले तो ये बोलीविया और पेरू की बाउंड्री पे देखने को मिलेगी। ये रहा आपका बोलीविया, ये रहा आपका पेरू, तो बोलीविया और पेरू की बाउंड्री पे लेक टिटका देखने को मिलती है। ये रहा, ये पेरू है, ये बोलीविया है, यहाँ पे आपको लेक टिटका देखने को, ठीक है। ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेबल लेक है, द हाईएस्ट। हाईएस्ट नेविगेबल लेक, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंची अगर नेवी लेक लेक की बात की जाए तो कौन से है? वो आपकी देखने को मिलेगी लेक टिटिका। अभी हम दुनिया की एक लेक्चर सेपरेट लेंगे, जहां पे हम पूरे वर्ल्ड लेवल की जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनको देखेंगे मैप पे, जिन पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो करंट में भी रही हैं, तो उन सारी लेक्स को देखेंगे। फिलहाल हम अभी कॉन्टिनेंट वाइज कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इतना ही जाने, ठीक है। तो हाईएस्ट नेविगेबल लेक है आप दुनिया की। चलिए अब तीसरी लेक आती है आपकी लेक पोपो, यहीं पे आपकी लेक पोपो देखने को मिलेगी ये, और ये पूरी लेक पोपो कहां पे देखने को मिलेगी? लेक पोपो ये आपको देखने को मिलेगी पूरी की पूरी बोलीविया, ठीक है। ये पूरी की पूरी आपको बोलीविया में देखने को मिलेगी, एंडीज माउंटेन चैन और एक हाई जो प्लेट्यूज है उनके बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। इधर आपके प्लेट्यूज हैं, इधर आपके एंडीज माउंटेन है, इनके बीच में लेक पोपो देखने को मिलेगी आपको बोलीविया में। तो ये थी तीन इंपॉर्टेंट लेक आपकी बोलीविया की। अब हम बात कर लेते हैं पैंटा वेटलैंड की। यहाँ पे तो यहाँ पे आपका एक वेटलैंड भी पाया जाता है, पैंटनल वेटलैंड, पैंटनल वेटलैंड की बात करें, वेटलैंड मतलब होता है यहाँ पे पेंटानल वेटलैंड की बात करें, यहाँ पे वेटलैंड मतलब होता है यहाँ पे आर्द्र भूमि, आर्द्र। तो वेटलैंड की बात करें, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है ये, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिक के बीच में, इक्वेटर के आसपास, ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटर के आसपास, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में अगर देखा जाए, जैसे ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है इसी को कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन, जिसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इस ट्रॉपिकल जोन में बात करें तो ये दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है, दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अगर आर्द्र भूमि देखी जाए तो वो आपकी पैंटनल वेटलैंड है, आर्द्र भूमि। इसकी लोकेशन की बात की जाए कि ये कहाँ कहाँ पे स्थित है, कितनी कंट्री में स्थित है, तो इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये आपको मिलेगी बोलीविया में, ब्राजील में और पैराग्वे, ये तीन कंट्री में देखने को मिलता है। लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन द वर्ल्ड, यहां पर जो क्रोकोडाइल है, जो घड़ियाल है, घड़ियाल ये सबसे ज्यादा इनकी आपको
कंसंट्रेशन, मतलब आपको सबसे ज्यादा संख्या में अगर देखा जाए, जनसंख्या में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको घड़ियाल यहाँ पे पेंटालैंड वेटलैंड में, आर्द्रभूमि में। और ये बिगेस्ट पैरोट है, एक दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट जो पैरोट है, बिगेस्ट पैरोट जो तोता है, सबसे बड़े तो जो तोता है पैरोट है, जिनका नाम क्या है, हयासिन हयासिनिथ हयासिनिथ मकाओ। ये दुनिया का सबसे बड़ा तोता है, इसको गूगल करके देखना कैसा दिखता है, ठीक है। और ये जो तोता है ये आपको इसी वेटलैंड में पाया जाती है, ये प्रजाति आपको देखना। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो लेक्चर है वाटर बॉडीज के बारे में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, तो उनमें जो इंपॉर्टेंट वाटर पूरी वाटर बॉडीज थी जो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे जो यहाँ की एंडीज माउंटेन रेंज है, प्लेट्यूज हैं और डेजर्ट हैं, इन सबको कवर करेंगे साउथ अमेरिका माउंटेन के, वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। चलिए इसी के साथ हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। जय हिंद।